मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं और इस संसार में मैं क्यों आई हूँ? कभी तुमने ये सवाल अपने आप को पूछा है? अरे क्यों पूछोगे भला, ये कैसा सवाल है? ऐसा सवाल पूछा भी जाता है? अरे मुझे तो पता है ना मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ या इसकी बेटी हूँ, या मैं इस फलाना इंस्टीट्यूशन में नौकरी करता हूँ या करती हूँ। तुमने कभी मार किया है कि तुम्हारी पहचान हमेशा किसी दूसरे को लेकर है, जिसे समाज ने एक सेटअप बना दिया है कि उस सेटअप में कहीं ना कहीं तुम्हें फिट बैठना है, तभी जाके तुम अपने आप को डिफाइन कर पाओगे कि तुम कौन हो। लेकिन अगर मैं उस सेटअप को हटा दूँ एक सेकंड के लिए, मैं कह दूँ कि तुम ज़रा उन सेटअप को हटाना और बताना कि तुम कौन हो, क्या इसके अलावा भी तुम कुछ हो? तो तुम शायद कह नहीं पाओगे मुझे कुछ, तुम बता ही नहीं पाओगे कि अगर तुम किसी के पत्नी नहीं हो, अगर तुम किसी के बेटे या बेटी नहीं हो, अगर तुम कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम मतलब है पर तुमने अगर उसको हटा दिया, या फिर जिस ऑफिस में जिस दफ्तर में तुम काम करते हो उसका नाम अगर मैंने हटा दिया तुम्हारे जीवन से, तो तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए होगा ही नहीं। और तुम एकांत में तो जाना ही नहीं चाहते हो, एकांत में क्यों जाएं भाई, ये कैसा सवाल है? इससे तो तुम जिंदगी भर डरते आए हो, और जब एकांत में गए नहीं और तुमने कभी अपने जीवन से इन चीजों को हटाया ही नहीं, तो तुम कैसे समझ पाओगे कि आत्मा क्या है? अब आते हैं आत्मज्ञान और आध्यात्म की ओर। आध्यात्म क्या है? दरअसल मैं आध्यात्म को कई सालों से ढूंढती रही, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कह रही हूँ कि अचानक से आध्यात्म मेरे जीवन में नहीं आया, बहुत कुछ सफरिंग और पीड़ा और दर्द के बाद मैं उसको समझ पाई हूँ। और पर समझने से पहले जब मैंने सोचा, डिसीशन लिया कि मुझे आध्यात्म को समझना है, तब मैंने हर प्रकार की कोशिश की, हर वीडियो सुनने की कोशिश की, ये भी कुछ जगह भी गई जहाँ पर लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म के बारे में कुछ पता है, पर पता नहीं मैं कहीं भी गई, मुझे हर जगह से निराशा ही मिला। और मुझे ऐसे कई ढोंगी लोग भी मिले जो आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे टेक्निक सिखाते हैं जो सब बेकार और फालतू और बकवास होता है, और पैसे लूटने के तरीके होते हैं बेसिकली। उन्हें खुद तो अध्यात्म का पता नहीं है, लेकिन अध्यात्म बेच जरूर रहे हैं, अध्यात्म आज मार्केट में बिक जरूर रहा है, लेकिन सच्ची और साफ अध्यात्म कहीं नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं अध्यात्म क्या है। कोई अध्यात्म के नाम पर योगा बेच रहा है, तो कोई अध्यात्म के नाम पर मेडिटेशन बेच रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अध्यात्म ना योगा है ना मेडिटेशन है, तो क्या है अध्यात्म? दरअसल एक प्रक्रिया है जिससे तुम अपने आप से जुड़ सको और एक बहुत ही गहराई से जुड़ सको, अपने अकेलेपन, अपने सॉलिट्यूड से जुड़ सको, खुद से जुड़ सको और अपने आप को समझ सको। ये अध्यात्म है। और उस चीज को वहां तक पहुंचने की जो सारी प्रक्रिया तुम करते हो वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यानी कि खुद से जुड़ने का नाम अध्यात्म है। और जब तुम खुद से जुड़ने लगते हो ना, तो दुनिया अब तुम्हें ठग नहीं पाती है, दुनिया की ठगाई तुम्हें दिखने लगती है, और तुम हर पल होशियार हो जाते हो, तुम समझ जाते हो कि अब तुम्हें तो कोई लालच है नहीं ना किसी से जुड़ने के लिए, अब तुम्हें कौन जबरदस्ती नाटक बेच के या मीठी मीठी बातें करके कौन फुसलाए, तुम्हें तो मन ही नहीं है कहीं जाने का, तुम तो अपने घर अपने आशियाना में आ चुके हो ना, अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, अब तुम झूठ पकड़ लोगे। अब मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, पहले मैं झूठ पकड़ नहीं पाती थी, कई बार लोगों ने ठगा भी है, कई बार मैं सच बोलूँगी आपसे झूठ भी बोला है, और मैंने उन झूठ को सच समझ कर
मान भी लिया था कई बार, लेकिन अब झूठ दिखने लगता है, बेईमानी दिखने लगती है। और सच जो है, बल्कि जब से मैं अध्यात्म में गई, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तब मुझे समझ में आया कि अध्यात्म का सच्चाई सत्य से बहुत जुड़ाव कनेक्शन है। जब आप अध्यात्म में जाते हो तो आप सच की तलाश करते हो कि ट्रुथ क्या है, हर चीज़ की सच्चाई तक तह तक पहुँचने की जो एक डिटेक्टिव भाव रहता है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ गया है वो भाव मेरा, कि मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ जो ये व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, जो बातें कर रहा है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे में उसके मन में क्या चल रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो क्या चाहता है एग्जैक्टली। और जब कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट कोई बेचने की कोशिश करता है, कोई मार्केटिंग वाला, तो बड़ी हंसी आती है मन में कि भाई तू क्या कर रहा है, मुझे ठग नहीं पाएगा तू। मतलब समझ में आ जाती है कि वो किस तरीके से मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। जो कहते हैं ना, अध्यात्म मतलब तुम तो साधु बाबा बन जाओगे भाई, मत जाओ उसमें, वैराग्य है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। रियल अध्यात्म है कि आप इस दुनिया में रहकर झूठ को पकड़ने लगो और एक अच्छी जीवन जी सको। लालची जीवन नहीं, ऐसा जीवन नहीं जहाँ पर हर कोई तुम्हें ठगे ही जा रहा है और तुम ठगे ही जा रहे हो। मेरे ख्याल से अध्यात्म साधारण सिंपल लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं लोगों को तो सबसे ज़्यादा शिकार किया जाता है, उन्हीं लोगों को लोग ज़्यादा ठगते हैं। मासूम या फिर जो जवान पीढ़ी है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, अगर वो बहुत ही यंग एज में स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करें तो क्या नहीं हो सकता। तो कितने साल जो जीवन के बर्बाद होते हैं, कितना समय बर्बाद होता है हमारा गलत रिश्तों में, गलत चीज़ों में उलझकर, गलत नौकरियों में, गलत इन्वेस्टमेंट्स में, या फिर कोई भी गलत काम करना या कहीं फंस जाना, पैसे बर्बाद होना, वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो है जहाँ हम फंसते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। तो ये तो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है दुनिया की, तो फिर हम उसमें जाते क्यों नहीं भाई, क्यों जाएं हम। अब सिंपल सी बात है भाई, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं स्पिरिचुअलिटी पर, और मैं एस्ट्रोलॉजी की भी जो वीडियो बनाती हूँ उसमें भी मैं कहीं ना कहीं, जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी एक मसालेदार प्रोडक्ट की तरह आजकल बेचा जा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा ना करके कुछ ऐसी बातें आपसे कहूँ जिससे आपके, मतलब कमर्शियल फ़ायदा तो हो ही, वो तो ज़रूरी है, उसके बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे, पर साथ में आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी भी मिले, आपको कुछ सीख मिले जीवन का, कोई वैल्यू मिले या कोई तरीका मिले जिससे आप एक अच्छा जीवन जी सकें, आपको हैप्पीनेस मिल सके, आपको पीस मिल सके। वो भी मैं कोशिश करती हूँ, टू बैलेंस एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये मेरी हमेशा हर वीडियो में कोशिश रहती है। लेकिन आपको ये क्यों पसंद आया, आपको मसालेदार चीज़ चाहिए। अब देखिए, मेरे वीडियो में कई बार व्यूज़ भी बहुत कम होते हैं, मुझे घंटा भर फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ से, मुझे जो कहना है वो मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि मैं आपका बेस्ट चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका सबसे सही हो। आपको पसंद आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके लिए जो बेस्ट है मैं वही आपको कहूँगी, और कड़क बात ही कहूँगी आपसे। मीठी चिकनी चुपड़ी बातें मुझे ना कहना पसंद है, ना मैं पर्सनल लाइफ में किसी को कहती हूँ, और ना ही मैं आपको यहाँ पर वीडियो में, जब मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है वहाँ पर मैं बोलूँगी। लेकिन अब तुमको तो पसंद है मसालेदार चीज़, अब तुम जाके मसालेदार वीडियो ऑन करोगे जहाँ पर किसी ने एक क्लेवर थंबनेल लगाया हो, जिसमें कुछ लिखा हो कि भाई किस्मत चमक जाएगा, सोने की बारिश होगी, लखपति बन जाओगे, ये कर लो, वो कर लो, ये रेमेडी कर लो, ये जो बातें होती है ना, हर एस्ट्रोलॉजी को बेचा जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर झूठ बेचा जा रहा है, कोई लिख देगा तो तुम उसको पटाक से क्लिक कर दोगे और वही देखोगे, और वही सारे वीडियोज़ में वायरल भी होते हैं, लाखों व्यूज़ भी होता है उसमें, तुम तो वहीं जाओगे ना, तो मेरे वीडियो को तुम क्यों आओगे, क्यों देखोगे, क्यों सुनोगे मेरी बातें। बट फिर भी मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि लोग ज़्यादा सुनेंगे या देखेंगे भी, क्योंकि मैं कड़वाई, मतलब कड़वा सच बोलूँगी या फिर ऐसी बातें बोलूँगी जिसमें हो सकता है कमर्शियल वैल्यू ना हो, लेकिन कमर्शियल से कहीं ज़्यादा मैं आपको देना चाहती हूँ, मतलब बहुत कुछ देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा सचमुच में फ़ायदा हो जीवन में, और तुम सत्य को समझ सको, और तुम
जीवन को समझ सको, और मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैं वो निचोड़ के तुम्हें दे सकूं, वो मेरी प्रक्रिया, मेरी चेष्टा है। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ या कमेंट सेक्शन में लोग बहुत सारे कुछ रिप्लाई दे रहे हैं या नेगेटिव भी दे रहे हैं, मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं परमात्मा के लिए काम कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं सत्य के लिए काम कर रही हूँ। तो मेरा गोल, मेरा विजन इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नेगेटिव कमेंट बोले या कोई व्यूज़ ना हो या मेरे वीडियो में 50,000 1,00,000 व्यू हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज 500, 600, 900 लोग भी देखें, उन 500, 600 में किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बदल रहा है थोड़ा सा भी, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को एक सही दिशा दी है, एक सही राह दी है। तो ये मेरा अचीवमेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन सोल, एक बड़ा अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट पैसे से भी ज़्यादा बड़ा है। पैसे तो मैं कमा लेती हूँ अलग अलग तरीक़ों से, पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन पैसे से कुछ बड़ा कमा पाना ये सचमुच में अचीवमेंट है। बट जैसे मैंने शुरुआत आध्यात्म से की, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि तुम, पता नहीं तुम्हारी उम्र क्या है जो तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं ये तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि इतने साल हो गए तुम्हारे जीवन के, हो सकता है तुम 25 साल के हो सकता है कि तुम 35 साल के हो, 36 के हो, 20 के हो सकता है 40 के हो सकते हो, 50 के हो सकते हो, मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र क्या है। हो सकता है तुम 12 साल या 13 साल की लड़की हो या 14 साल के लड़के हो और तुम्हें मुझे सुन रहे हो, तुम कोई भी हो, मैं तुमसे पर इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें जो परमात्मा ने ये जीवन दिया है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड, ये लाइफ जो है जो इतनी वैल्यूएबल है, तुम एक ह्यूमन बीइंग होके पैदा हुए हो, एक इंसान बन के पैदा हुए हो, और तुम्हें पता ही होगा, तुमने तो बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, उसको सबसे सबसे ताकतवर बनाया गया है इस अर्थ में, पृथ्वी में, क्योंकि वो उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वो दो टांगों से खड़ा होकर, उसके हैंड्स फ्री हैं और वो हैंड से कुछ कर सकता है, और ह्यूमन बीइंग्स ने वैसे भी बहुत कुछ बना डाला है, सिविलाइजेशन क्रिएट कर डाली है, क्रिएटिव पावर तुम्हें दी गई है, तुम कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्रिएशन की शक्ति तुम में है, तुम इतनी ताकत का कर क्या रहे हो, कैसे काट रहे हो अपना जीवन, तुम करते क्या हो पूरे दिन, क्या तुमने अपने ताकत का सही इस्तेमाल किया है? नहीं, काहे का ताकत, कौन सा ताकत, अरे मेरा तो काम है खाना पीना, ऐश करना, मस्ती करना, मटर गस्ती करना, जीवन को यूं ही बहाते रहना, कहीं भी किसी दिशा में, कुछ पता नहीं आता नहीं, कुछ भी घटिया खा लिया, कोई भी घटिया सीरियल देख लिया, कोई घटिया यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहे, इंस्टाग्राम में कुछ भी बकवास देख रहे हो, जीवन को यूं ही बहा रहे हो, अपने जीवन को, अपने कीमती जीवन का कोई हिसाब किताब समय का कुछ है नहीं, जीवन में कुछ बड़ा करना नहीं है, छोटी मोटी नौकरी में तुम संतुष्ट हो, बकवास घटिए दो कौड़ी के रिश्ते हैं तुम्हारे जीवन के, जिसमें तुम बड़े खुश हो जाते हो कि चलो इसको ठग लिया, बड़ा मज़ा आया, यही करते हो ना तुम, कहीं से कुछ भी खा रहे हो, तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, अगर है भी लक्ष्य तो बहुत ही घटिया दो कौड़ी के लक्ष्य हैं तुम्हारे, बहुत ही थर्ड क्लास जीवन है, और कोई बड़ा लक्ष्य तुमने चुना नहीं है, और अगर चुन भी लिया है तो तुम उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हो। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? तुम्हारा जीवन एक गिफ्ट है, तुम्हें बहुत ताकत दी गई है, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का भाव भी नहीं है, तो पता भी नहीं है ये आत्मा क्या क्या कर सकती है, और तुमने सुना ही होगा ना कि ऋषि मुनियों ने कैसे तपस्या की और वो मतलब कहीं गायब हो जाते थे, सोल एस्ट्रल ट्रैवल करते थे,
उनके पास मैजिकल पावर था, वो तो छोड़ो, मतलब हाईएस्ट लेवल की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने, जिनके पास इतनी ताकत थी कि वो हर प्रकार का लालच त्याग सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट टॉप लेवल पर हैं। चलो तुम, मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि तुम वहाँ पहुँचोगे, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे तो वहाँ तक जाओ ना, मोक्ष लिबरेशन की ओर तो जाओ ना। लेकिन छोड़ो, मोक्ष तो दूर की बात है, मोक्ष लिबरेशन यूं ही नहीं आ जाता, एक दिन में नहीं आ जाता, एक एक चीज़ छोड़नी पड़ती है, और चीज़ छोड़ी तभी जा सकती है जब तुम उन्हें प्राप्त करो। मोक्ष पाने से पहले तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तुम्हें मेंटल फ्रीडम चाहिए, तुम्हें सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए, तुम्हें साइकोलॉजिकल फ्रीडम चाहिए। ये एक एक फ्रीडम अटेन करने के बाद ही तुम अल्टीमेट लिबरेशन तक पहुंचोगे। पर फाइनेंशियल फ्रीडम होगा कैसे? तुम्हें पैसे कमाने होंगे, लेकिन इतने कमाने होंगे कि पैसा तुम्हें छू ना सके, पैसा तुम्हें गुलाम ना बना सके, तुम अपने मर्जी के मालिक रहो, तुम्हारा कोई मालिक तुम्हारे सर पर बैठकर तुम्हें हुक्म ना चलाए कि भाई 6 बज गए हैं फिर भी तुझे रुकना पड़ेगा और 4 घंटे काम करनी पड़ेगी, तू मेरा नौकर है यहाँ पर, तूने नौकरी की है, तू नौकर है यहाँ पर, तुम कुछ कह ना पाओगे, दुम हिला के दांत दिखा के बैठ जाओगे वहां पर, यही तो तुम्हारी औकात है ना, कब वहां से बाहर निकलोगे, कब कब तुम कुछ ऐसे बनोगे कि पैसा तुम्हारे पास आए, तुम मालिक बनो, तुम्हारे ऊपर कोई मालिक ना हो, कब मालिक बनोगे? मुझे बस इसी चीज़ का इंतज़ार है, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, मैं चाहती हूँ कि तुम मालिक बनो, तुम अपने मालिक बनो, तुम अपने आप को समझो, स्वयं को समझो, और अपने वो नीच हरकतों को छोड़ो, घटिया हरकतें जो तुम्हें नीचे और नीचे लेती जा रही है, अपने समय की बर्बादी जो तुम घंटों करते हो, तुम्हें पता भी नहीं है आज का दिन तुम कैसे कटाने वाले हो, उससे तुम मुक्त हो जाओ, बस मेरी इतनी प्रार्थना, इतनी इच्छा है। और मैं ये अध्यात्म के ऊपर वीडियो तो बनाती रहूँगी, तुम देखो या ना देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 4 लोग भी देखें इस वीडियो को मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि वो 4 लोगों के जीवन में एक बहुत विशेष प्रकार का रेवोल्यूशन होगा, बदलाव होगा। इसी थॉट से मैं वीडियो बनाती हूँ, मसालेदार वीडियो बना के ढेर सारे व्यूज़ बटोरने का ना मुझे कभी इच्छा था ना भी है, इसमें व्यूज़ आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सत्य को आगे बढ़ाने की कोशिश, प्रक्रिया मेरी जारी रहेगी, और अध्यात्म पर वीडियोज़ में बनाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करूँगी कि तुम परमात्मा तक पहुँच सको।